पुलिस अधीक्षक यातायात और जनसुनवाई के नोडल अधिकारी श्याम देवबिंद द्वारा शुक्रवार को पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में समस्त थानों पर नियुक्त किए गए जनसुनवाई के नोडल अधिकारियों और पुलिस ऑफिस में नियुक्त जनसुनवाई के नोडल अधिकारियों के साथ मीटिंग कर नवीन एकीकृत जनसुनवाई प्रणाली की समीक्षा की गई। साथ ही जनसुनवाई में गुणवत्तापूर्ण सुधार व समयबद्ध निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मीटिंग के दौरान मुख्य रूप से पुलिस ऑफिस में नियुक्त IGRS प्रभारी रघुनंदन त्रिपाठी, जनता दर्शन प्रभारी जयशंकर दुबे, शिकायत प्रकोष्ठ प्रभारी सूरज गुप्ता और थाने के जनसुनवाई प्रभारी नवनीत नागर सहित समस्त थानों पर नियुक्त जनसुनवाई अधिकारी के नोडल अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात और जनसुनवाई के नोडल अधिकारी श्याम देवबिंद ने कहा, आज ये बैठक पुलिस लाइन में आयोजित की गई है। ये थानों के और पुलिस ऑफिस में जन सुनवाई के जो नोडल अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 30 जून को एक नवीन एकीकृत जन सुनवाई प्रणाली की शुरुआत गोरखपुर में की गई थी, जिसके तहत पुलिस ऑफिस में 5 प्रकोष्ठ बनाए गए थे। किसी भी स्तर से कोई प्रार्थना पत्र जिला पुलिस को या थाने पर या किसी अधिकारी को प्राप्त होता है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए 5 प्रकोष्ठ बनाए गए थे, जिसके हर 15 दिवस में समीक्षा की जानी होती है। उसी क्रम में आज ये समीक्षा थानों के जनसुनवाई के जो नोडल अधिकारी हैं उनके साथ की गई है, और जो पुलिस ऑफिस में 5 प्रकोष्ठ बनाए गए हैं जो उसके नोडल अधिकारी हैं उनके साथ ये मीटिंग करके मेरे द्वारा आज ये समीक्षा की गई है।